Good morning, children. How are you all? You all are good? So, children, today let's start our session with a prayer. Okay? So, children, join your hands and repeat the prayer along with me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmay Shri Guruve Namaha. Very good, children. Once again, repeat the prayer, children. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmay Shri Guruve Namaha. Very good, children. So, children, now we are going to start with the literacy subject, okay? Children, till your last lecture, we have finished practicing till alphabet. Which alphabet you can see on your screen? Alphabet I, right? Last lecture तक हमने alphabet I अपने literacy skill sheet book में और brown cover capital and small letter book में practice किया. So today we are going to practice the alphabet that comes after I. Which is this alphabet? J, right? So today we are going to practice alphabet J. So children, how we are going to write the uppercase, that is capital J? First you have to draw one standing line and then इस standing line को ऐसे curve देना है ऊपर, ऊपर की तरफ कर्व देना है और ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड? एक और बार देख लो. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, ओके, और इसी स्टैंडिंग लाइन को ऐसे कर्व देना है, कर्व टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ कर्व हमें देना है, ओके. यू कैन सी दिस कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है इन दिस वे. दिस इज योर अल्फाबेट, अपर केस अल्फाबेट जे. अंडरस्टूड? नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट लोअर केस, दैट इज स्मॉल लेटर जे. सो चिल्ड्रन, जैसे आपने अपर केस यानी कैपिटल जे के लिए स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके कर्व किया था ना, वैसे ही आपको लोअर केस यानी स्मॉल लेटर जे के लिए स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसे कर्व देना है. पर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन नहीं, आपको सिर्फ एक डॉट देना है. जैसे आप आई को देते थे ना, वैसे ही जे को आप दोगे. अंडरस्टूड? इन दिस वे. सो दिस इज योर लोअर केस, दैट इज स्मॉल लेटर जे. जे फॉर जोकर, जे फॉर जग. Understood, children? अपर केस एंड लोअर केस जे के लिए आपको वैसे ही स्टैंडिंग लाइन और कर्व बनाना है, बट फोर लाइन्स में आपको पता चलेगा एक्चुअल डिफरेंस, जो कि कौन से लाइन से आपको स्टार्ट करना है, ओके. एक और बार देख लो कि आपको कैसे लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन अ कर्व और इसके ऊपर एक डॉट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन योर फोर लाइन्स बुक. सो चिल्ड्रन, दिस इज योर लिटरेसी स्किल शीट बुक. इन दिस बुक टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अल्फाबेट जे. चिल्ड्रन, वी हैव प्रैक्टिस टिल दिस पेज, राइट? फॉर अल्फाबेट आई, पेज नंबर
66. So today we will proceed towards alphabet J, and this is your page number 67. So what is given over here? Trace the letter with pencil and say it aloud. Uppercase J, lowercase J. J for jug. J for jug. You can see this jug. Jug of water. Jug. J for jug. So over here you can see first line में आपको uppercase लिखना है और second line में आपको lowercase J लिखना है. So in the first line, फर्स्ट लेटर आपको दिया है ट्रेसिंग डॉट में, तो पहले ट्रेस करना है आपको. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन टू द सेकेंड ब्लू लाइन. ओके, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके कर्व बनाना है एंड देन इसके ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? वन मोर टाइम देखो, यहाँ पे रेड लाइन से स्टार्ट करना है, स्टैंडिंग लाइन बना के आपको कर्व ड्रॉ करना है और इसके ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन. See, this is your alphabet, uppercase capital alphabet J. One more time, standing line, curve, sleeping line. Standing line, curve, sleeping line. Standing line, curve, sleeping line. Understood children? सबको समझा कैसे लिखना है? So, this is your uppercase यानि capital letter J. Now come to the next line, जिसमें हम lower case small letter J practice करेंगे. मैंने बताया था ना आपको कि lines में आपको difference पता चलेगा. Upper case के लिए आप red line से शुरू करते हो, पर lower case J के लिए आपको blue line से शुरू करना है और नीचे वाले red line को touch करना है. See, first blue line से शुरू करना है, standing line, curve, और ये इसके ऊपर आपको एक dot देना है. अंडरस्टूड? देखो, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, डॉट. स्टैंडिंग लाइन, कर्व, डॉट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ऐसे ही आपको लोअर केस यानी स्मॉल लेटर जे प्रैक्टिस करना है. ओके, in this way you will practice both the lines, upper case and lower case J. Then over here what you have to do, you have to paste the sticker starting with letter J. यहाँ पे आपको jar, J for jar, J for juice, what is this? Jellyfish, jellyfish, J for jellyfish. Okay, यहाँ पे आपको stickers कहाँ से लेने हैं? From the back side of your book. Okay, so start taking the stickers and start pasting in their places. So children, you all can see over here that I have pasted the stickers of the things starting with letter J. Jar, J for jar. Juice, J for juice. Jellyfish, J for jellyfish. Jug, J for jug. Okay children, so on this page number 67 you are going to practice how to write uppercase lowercase J, and then you are going to paste the stickers and read the words of the things starting with the letter J. Okay children, understood? After this turn to your next page. This is your page number 68, in which you are going to read the words starting with the letter J. Okay children, what is this? Jam jar, J for jam jar. आप सबके घर पे जैम हो ना, जिस बॉटल में जैम होता है हम उसे बोलते हैं जार. Jam, jar. Juggler, you can see this boy playing with many balls. इसे हम क्या कहते हैं? Juggling. Juggler. Joker, J for joker. Jackal, this is an animal, J for jackal.
Jeep. J for Jeep. One more time, children. Alphabet J. J for jam jar. J for juggler. J for joker. J for jackal. J for jeep. Okay, children. So on this page number 68, you are going to read the word starting with the letter J. जैसे मैं जोर से रीड कर रही हूं ना, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है रीड करना. ओके ओके चिल्ड्रेन, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज योर पेज नंबर 69, इन विच आप क्या करोगे, आपको पता है ना यहाँ पे क्या करना है. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग इन कैपिटल इन ब्लू बॉक्सेस एंड इन स्मॉल इन पिंक बॉक्सेस. जो ब्लू बॉक्सेस है ना तीन, यहाँ पे इसमें आपको ये फोर लाइन में आपको ब्लू बॉक्सेस में जो दिए हैं पिक्चर्स उसके नीचे आपको कैपिटल जे यानी अपर केस जे लिखना है, और पिंक बॉक्सेस में आपको लोअर केस यानी स्मॉल लेटर जे लिखना है. ओके चिल्ड्रेन, सो स्टार्ट राइटिंग. सो चिल्ड्रेन, यू ऑल कैन सी दैट आई हैव रिटन कैपिटल जे दैट इज अपर केस जे इन दिस ब्लू बॉक्सेस एंड lower case that is small letter j in this pink boxes. So start reading. J for jar. J for jar. J for joker. J for joker. J for jeep. This vehicle, इस vehicle का नाम क्या है, jeep. J for juice. J for juice. J for jug. J for jug. J for juggler. J for juggler. Okay, children. So in this page number 69, you are going to practice uppercase and lowercase J. Blue boxes में uppercase लिखना है capital and pink boxes में lowercase यानी small जे लिखना है. ओके चिल्ड्रेन, देन आफ्टर दिस यू हैव टू टर्न दिस पेज. यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज योर पेज नंबर 70. वॉट यू हैव टू डू, वॉट इज गिवन ओवर हियर, जॉइन द नंबर्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम इन द गिवन बॉक्स. ओके, तो पहले आपको क्या करना है, you can see this numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. यहाँ पे 18 तक numbers दिए हैं. आपको क्या करना है, ये पूरे dots को आपको joint करना है. Okay, in this way. Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरे डॉट्स को आपको ये करना है. ओके, 12 13 14 15 16 17 18. Got it children, कैसे करना है आपको. Now tell me what is this, jellyfish. आपने ये पूरे dots को join किया तो आपको पता चल गया कौन सा picture है, this is a jellyfish, right? See, look here, jellyfish. ऐसे ही है ना, ये jellyfish. J for jellyfish, right? So you have joined these dots and you have recognized that this is a jellyfish. Abhi ye dots ko join karke apne picture complete kiya, then what you have to do, you have to color this picture. Okay children, aapko ye picture ko color karna hai. After coloring, this is J for jellyfish, right? Jellyfish word starts with the letter J. तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है,
यहाँ पे आपको जे लिखना है, ओके। स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, अंडरस्टूड। जे, यू हैव टू कलर दिस पिक्चर, ओके चिल्ड्रेन। आपको ये पिक्चर को कलर करना है, देन ओनली दिस पेज विल गेट कंप्लीट। सो दिस इज योर पेज नंबर 70। आफ्टर दिस चिल्ड्रेन, यहां पे आपको ये पेज तक आपने लेटर जे प्रैक्टिस किया है, बट ये जो नेक्स्ट पेज है ना 71, यहां पे आपको क्या किया है, जो आपने अल्फाबेट्स ए टू जे आपने आज तक किया है, सो उस अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स है ना, यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए दिए। सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, रिकॉग्नाइज ईच पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। यहाँ पे व्हाट इज दिस, हेलीकॉप्टर, एच फॉर हेलीकॉप्टर। तो ये पिक्चर्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं और इसके जो स्टार्टिंग लेटर है ना वो मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको वो स्टार्टिंग लेटर लिखना है। व्हाट इज दिस, हेलीकॉप्टर, एच फॉर हेलीकॉप्टर। सो ये ब्लैंक फर्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे एच, एच, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट इज दिस, डॉग, डी फॉर डॉग। सो ओवर हियर यू विल राइट डॉग, डी, डी, ओके। व्हाट इज दिस, आइस, आइस का वर्ड कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है, आई, सो दिस यू हैव टू राइट आई, अंडरस्टूड। देन व्हाट इज दिस, जग, जे फॉर जग, देन यू विल राइट ओवर हियर जे। और आपको पूरा कैपिटल यानी अपर केस अल्फाबेट ही लिखना है, ओके। देन व्हाट इज दिस, फ्रॉग, कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है ये वर्ड, एफ, सो ओवर हियर यू विल राइट एफ, अंडरस्टूड चिल्ड्रेन। देन व्हाट इज दिस, गोड, जी फॉर गोड, देन यू आर गोइंग टू राइट जी ओवर हियर, ओके, जी। एंड व्हाट इज योर लास्ट पिक्चर, इग्लू, आई फॉर इग्लू, यू हैव टू राइट आई, ओके चिल्ड्रेन। सो दिस इज योर पेज नंबर 71। टुडे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस टिल पेज नंबर 71, ओके। एंड अगेन आई रिपीट, दिस इज योर पेज नंबर 70, जहाँ पे आपने डॉट्स को ज्वाइन करके पिक्चर को रिकॉग्नाइज किया है, जेट दिस इज अ जेली फिश, बट यू हैव टू कलर दिस पिक्चर, ओके, ओके चिल्ड्रेन। सो चिल्ड्रेन, टुडे वी हैव practiced alphabet J and we have read the words, right? And then you have to complete the picture of the jellyfish by coloring it. और उस page के बाद में हमने एक quick revision लिया, जिसमें हमने pictures को recognize किया और picture के जो नाम थे उसके first alphabet which was missing we have filled it, right? We have completed the word by writing the first letter in each word name of the picture, okay children. So children, keep practicing. Today we have finished till alphabet J. Keep practicing from alphabet A to J, children, okay. Thank you, bye bye.